अब हम यहां पर कलर करने वाले हैं। हो जा हो गया। देखिए कितना आलीशान हो गया, एकदम सफेद सफेद। थोड़ा मतलब चूना इतना अच्छा नहीं था, बट यह जैसा हुआ है वैसा हो गया। इन शॉर्ट हमने काम हमारा कर दिया। थोड़ा भी नीचे साफ सफाई करने का है, वो बाद में करेंगे, अभी बाहर कलर करने जा रहे हैं। हालत देखिए, पूरे कपड़े वपड़े सब चूना वाला हुआ है। और मैं इस तरह से, और मेरे हाथ देखना, ये देखो मेरे हाथ कैसे हो गए, दिख रहे एकदम पूरे वाटरी वाटरी, वैसा पूरा हाथ वैसा हो गया। अभी पापा यहाँ चढ़े कलर करने के लिए, अभी मैं भी वहीं पर कलर करने का, मेरे को भी। ये वाली दीवार है आधी हुई है कलर, आधा कलर बाकी रह गया तो वो करने का है अभी। दो वाली छः, हाँ ये देखो इसके सींग तो देखो कितने बड़े हैं। हाँ अगर एक फटका पड़ा हो ना तो इंसान ना बचे। और बाय द वे अपना अभी चारा खा रही है जिससे उसका दूध निकलेगा। तो हमारे दादा इसको ऐसा मस्त जो बोलते हैं ना मिक्स करके दे दिया है चारा। पर गाय भी अपना खाना खा रही है, मक्खन निकाल रहे हैं छाछ में से। मेरी आँख में क्या गिरा है, आँख वो हो रही है ऐसा अजीब सा हो रहा है आँख में। बाकी चूना तो थोड़ा गिरा ही है, थोड़ा बहुत मुंह पर लगा है, वो साफ़ कर देंगे बाद में। अभी मेरे हाथ गंदे हैं तो मेरे को उसको छेड़ना नहीं है। ताजमहल को धोने वाले हैं। हाँ गाइस, बिच्छू निकला, मेरे पापा ने इतनी जोर से मारा कि आधा तो उनके मुंह में गया है। कुछ मेरे पापा कुछ सामान लेने गए और वहाँ बिच्छू निकला था अभी, जो आपने देखा। हाथ ऊंचा कर रख रख के थक गया भाई साहब, अब खत्म होता चाहिए। और बोरियत तो एक नंबर की। खेत में जा रहे हैं घास लेने के लिए। ये घास मारने की दवाई डाली जा रही है। तो ये है हमारा खेत, पूरा ग्रीन ग्रीन लग रहा है। और हम ये घास उठाने आए हैं। बड़ा मैं लेके आया, सांस फूल गई मेरी तो। अगर पंप में वो दवाई ख़त्म हो जाती है तो वो लोग ऐसा सिंबल रख के जाते, पीले कलर की डंडी या कुछ ऐसा, ताकि उनको पता रहे कहाँ से दवाई डालनी है। और चलिए हम हमारा घास लेने चलते हैं। वाट लग गई मेरी एक में तो। तो थक गए भाई साहब। सनसेट हो चुका है, 5 बज चुके हैं। कोई शिकार के मूड में और मीनू टिन्नू कैसे हो दोनों? हाँ मेरे बाल बेचारे फ्री हो गए अभी। हाँ ब्रीज ले पा रहा हूँ मैं, पूरा सुबह से चूने में था। मेरे हाथ देखो कैसे हो गए। ये हमारा कुआ है, ये कुएं के अंदर का है, पानी है इसमें। में किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, कोई हमारे घर आके जाएगा ना कि कहाँ से आए, पीछे देखेंगे ना तो सफेद सफेद दिखेगा।
मतलब समझ जाने का, रमेश भाई की वाड़ी से आए अभी पीछे बिगड़ा ही होगा, कहीं ना कहीं तो टच हो ही जाएगा ना सफेद सफेद। मेरे दादा ऑयल लगाते थे हर जगह, मेरे पापा चूना मारते, और अभी बोल रहे पानी में भी एक दो बाल्टी डाल देता हूँ ताकि सफेद पानी आए, पानी थोड़ा काला पड़ गया। और हम जा रहे हैं फिर से घास लेने के लिए, मेरे पापा मेरे आगे आगे जा रहे हैं। वो कैसा मस्त दिख रहा है सूरज, उठाना इतना आसान नहीं है, मेरी गर्दन टूट गई, ऊपर से यहाँ टोपी के ऊपर का बटन चुभ गया, बहुत हार्ड है। फार्मिंग इज नॉट एन इजी जॉब। सही बात है, मेरे पापा गोबर डाल रहे हैं, इतना सारा काम किया अब गोबर भी डाल रहे हैं, और बारिश आ रही है रिमझिम रिमझिम। खूबसूरत सा सनसेट हो चुका है, झरमर झिरमिर झिरमिर बारिश आ रही है, और अगर आपको सुनाई दे रहा है तो आरती चल रही है अभी। वो बाल्टियों की आवाज मेरे पापा कर रहे हैं। जय मां जगदम्बे। स्विमिंग पूल का मजा इस तरीके से आता है, देखिए। अरे पापा पानी मत उड़ाओ। इस तरह का खाना गांव में, कुछ इस तरह का खाना होता है, रूखी सूखी रोटी, दूध, अरे रोटला अपना। हाँ दादा, आज भावनगर में वापस से कुछ हुआ है था, कितनी सारी पुलिस की गाड़ियां आगे ट्रैफिक जाम कर कर, और यहाँ पे किसी को खड़े भी नहीं दे रहे। हाँ पीछे तक है लाइन। अब हम जा रहे हैं घर, उसी के साथ इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, आज हमने जी तोड़ मेहनत की है, मेरे से ज़्यादा मेरे पापा ने किया, मतलब ऐसा होता है कि दादा मेरे डबल ट्रिपल काम कर पाते थे, मेरे पापा उसका आधा कर पाते, मैं उन दोनों का भी आधा कर पाता हूँ, मतलब समझो ना। सो एनीवे, मिलता हूँ कल एक और से व्लॉग में आपको, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपनी सोसाइटी को साफ रखें, और पोल्यूशन ना फैलाए, और किसानों की इज्जत करें। बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ रहे।